रेफरेंस, मैं हूँ कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं अर्थ रजिस्टर टेस्टर के बारे में। इसका यूज़ अर्थिंग को रजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है। तो इसमें क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का हम ऑन करेंगे तो इसमें चार्जिंग का लाइट चालू होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टेंस दिया है 1000 ओम ऑफ और 10 ओम। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कौन से पे हमको टेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट के लिए बटन दिया गया है, इसको प्रेस करना होता है। इसके प्रेस करने से हमको इसका रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है, ये हमारा 4 पॉइंट दिया गया है। एक पहला है E1 है, दूसरा है P1 दिया गया है, P2 और E2। तो हम देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने E1 और P1 को शॉर्ट कर दिया है। वो शॉर्ट करके उसमें से हमने एक वायर निकाला है, ये वाला एक वायर निकलता है जो जिसका रजिस्टर हमको चेक करना है, उसको इसमें कनेक्ट करना होता है। बाकी जो दो दिए गए हैं P2 और E2, तो इसका यूज़ हम दो इलेक्ट्रोड को हम लगाएंगे रोड को, जो 10-10 मीटर की दूरी पे हम उसको सेट करेंगे। तो एक का यहाँ पे करेंगे, उसके बाद दूसरा जो हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसको 10 मीटर के बाद कनेक्ट करेंगे, उसका कनेक्शन यहाँ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो अभी हम उसके लिए हम उसका फिगर देखते हैं कि उसका फिगर में कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने E1 और P2 को शॉर्ट करके जो हमारा मेन अर्थिंग है उसको कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे P2 और E2 को हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन के द्वारा कनेक्ट किया, उसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस रखा है। इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं और हमारा मेन अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना आता है हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम रेंज को सिलेक्ट करना होता है। इस रेंज को सिलेक्ट करना होता है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमको टेस्ट के लिए इसको प्रेस करना होता है। जैसे ही हमको इसको प्रेस करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू आएगी। अभी हमने कुछ कनेक्ट किया नहीं है तो इसमें वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको टेस्ट करने के बाद हमको हमारा अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना है वो मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम अर्थिंग का रजिस्टर टेस्टर की मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की हमको वैल्यू दी गई है, कौन सी जगह पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मेजर पावर स्टेशन होता है वहाँ पे 0.5, मेजर सब स्टेशन में 1 ओम होना चाहिए, माइनर सब स्टेशन में 2 ओम होना चाहिए, न्यूट्रल बसिंग में 2 ओम होना चाहिए। उसके बाद जो सर्विस कनेक्शन होता है उसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। मीडियम वोल्टेज नेटवर्क जो होता है उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद जो LT लाइटिंग अरेस्टर है उसका हमको 4 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद है LT पोल का 5 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद 80 पोल होता है उसका 10 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, और उसके बाद टावर का 20-30 ओम का रेजिस्टेंस। इस तरह का स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू होनी चाहिए।